नमस्कार दोस्तों। एक किसान था जो रोजाना एक बेकरी वाले बेकर को मक्खन दिया करता था। एक दिन बेकर ने सोचा कि चलो आज मक्खन को तौल कर देखता हूँ कि जितना मक्खन मैंने मांगा था उतना मुझे मिलता है कि नहीं। और उस बेकर को पता लगा कि वो किसान पूरा मक्खन नहीं दे रहा था, और इस बात के लिए बेकर किसान को कोर्ट लेके गया। जज ने किसान से पूछा कि तुम मक्खन का मापतौल कैसे करते हो? तो किसान ने कहा, माई बाप, मैं एक साधारण इंसान हूँ और मेरे पास मापतौल के लिए कोई मशीन तो है नहीं है, इसलिए एक तराजू का उपयोग कर लेता हूँ। तो जज ने पूछा, तुम तराजू में मापन के लिए क्या रखते हो? किसान ने कहा, माई बाप, कुछ समय पहले से ही ये बेकर मुझसे मक्खन लेना शुरू किया था और मैं इससे 1 किलोग्राम ब्रेड लेता था। रोज जब बेकर मक्खन लेने आता था तो वो मेरे लिए ब्रेड लेके आता था और उसी ब्रेड के वजन से मैं इनको तौल के देता था। इसलिए अगर हम में से कोई गुनाहगार है तो वो खुद बेकर ही है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम दूसरों को जो देंगे बदले में हमें वही मिलेगा, इसलिए जो भी दूसरों को दें तो सोच समझ कर ही देना चाहिए। दोस्तों, इस मोस्ट मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।